राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। धर्म नगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। शहर में हर तरफ डाक कावड़ियों ने डेरा डाल लिया है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार पुलिस ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पूरे मेले में 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 30 ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा बम निरोधक दस्ता और लोकल पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से हुई थी, लेकिन पंचांग लगने के बाद 26 जुलाई तक कावड़ यात्रा की संख्या कम रही, लेकिन 27 जुलाई से कावड़ियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से अधिक कावड़ यात्री गंगा जल भर चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में 5,000 से अधिक फोर्स को कावड़ मेले में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। 7वें दिन धर्मनगरी हरिद्वार से 42 लाख कावड़ियों ने जल भरा। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी को आतंकी हमले से जुड़े कुछ इनपुट भी मिले हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। हरिद्वार SSP परमेंद्र डोबाल ने बताया कि कावड़ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे कावड़ मेला क्षेत्र समेत हरिद्वार शहर, हर की पेड़ी और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा में लगे सभी जवानों को चौकन्ना किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।